आप नाज़रीन, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। मैं हूँ आपके साथ सादिया खान सनोवर। और मेरी ओर से भी आदाब है आप सभी को। मैं हूँ आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आज एक नई फिल्म की गजब कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। जी बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने बचपन में पोलियो की ड्रॉप पी थी? अरे भाई सादिया, बिल्कुल पिया था, तभी तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने सही सलामत 6 फीट का बंदा खड़ा है। वैसे मैं ये सवाल क्यों पूछूं, आप ये जानना नहीं चाहेंगे? हाँ, सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आखिर क्यों पूछा आपने? वो इसलिए आशुतोष क्योंकि हम अजब फिल्म की गजब कहानी में बात करेंगे कुंवारा बाप की। अच्छा, तभी महमूद साहब की कुंवारा बाप बहुत बढ़िया फिल्म थी, आप उन्हीं की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल आशुतोष, अपने वक्त की बेहतरीन फिल्म थी कुंवारा बाप। आज हम इस फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से बताएंगे अपने नाज़रीन को। जी हाँ, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं इस फिल्म के जिसे आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। हिंदी सिनेमा में जब से फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर कई फिल्मकारों ने फिल्में बनाई हैं। कुछ फिल्म मेकर्स फिल्में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं और कुछ ने समाज में फैली बुराई को या फिर समाज के मसाइल को दूर करने के लिए फिल्में बनाई। इसी तरह 1974 की एक फिल्म थी कुंवारा बाप, जिसके जरिए महमूद साहब ने सिर्फ लोगों को एक खतरनाक बीमारी से वाकिफ करवाने की कोशिश की थी और वो एक पैगाम देना चाहते थे कि पोलियो एक लाइलाज और बेहद खतरनाक बीमारी है जो किसी के भी बच्चों को हो सकती है। महमूद साहब ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की कोई फिल्म बनाएंगे। बात है उस दौर की जब महमूद साहब के तीसरे बेटे मकसूद अली उर्फ मैकी अली की पैदाइश हुई और पैदाइश के कुछ दिनों बाद पोलियो की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। ये छोटा बच्चा माजूर हो गया। महमूद साहब इस बात से बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने बेटे को ठीक कराने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन सब नाकाम रहा। आखिरकार वो अपने बेटे के इलाज के लिए हिंदुस्तान के बाहर भी गए लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी हासिल हुई। महमूद साहब ने अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए लेकिन मकसूद अली ठीक नहीं हो पाए। महमूद साहब को पता चला कि हिंदुस्तान में लाखों बच्चे हैं जो इस बीमारी से मुतासिर हैं और गुर्बत की वजह से उनके माँ बाप इलाज नहीं करवा पाते। तब महमूद साहब ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तानियों को कम से कम इस बीमारी से वाकिफ जरूर करवाएंगे ताकि सभी माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो की दवा वक्त पर पिलाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब होने से बचा लें। महमूद साहब अपने बेटे की वजह से दिन रात रोते और एक रोज पोलियो पर फिल्म बनाने का उन्होंने फैसला किया। साल 1974 में उन्होंने कुंवारा बाप फिल्म रिलीज की जिसको उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया और वो इसमें लीड एक्टर भी रहे। कमाल की बात ये थी कि महमूद साहब जो कि पर्दे पर लोगों को हमेशा हंसाया करते थे और लोग सिर्फ उनकी कॉमेडी देखने के लिए ही फिल्में देखने जाते थे, उन्होंने महमूद साहब को पहली बार इमोशनल किरदार करते हुए देखा और पहली बार महमूद साहब ने लोगों को हंसाने की बजाय रुला दिया। इस फिल्म के बारे में ये मशहूर हुआ कि जो इस फिल्म को देखने गया उसकी आंखें जरूर नम हुई। एक और बात इस फिल्म के बारे में ये रही कि महमूद साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस फिल्म के लिए और वो ये कि उन्होंने इस फिल्म में अपने ही उस बेटे मकबूल अली जो कि पोलियो से मुतासिर थे उन्हें कास्ट किया और उनसे एक्टिंग भी करवाई। दोनों बाप बेटों ने फिल्म में बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया। ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट रही और लोगों को पोलियो की खतरनाक बीमारी के बारे में भी बेदारी पैदा हुई। लोगों ने ये जाना कि कितना जरूरी है अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाना। महमूद साहब ये चाहते थे कि इस फिल्म के जरिए लोगों को इस बात का एहसास हो कि पैसे वालों के बच्चे को भी अगर पोलियो जैसी बीमारी हो जाती है तो वो भी पैसे खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं करवा सकते। इसीलिए अमीर हो या गरीब सबको चाहिए कि अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं। इस फिल्म को न सिर्फ आवाम ने पसंद किया बल्कि फिल्मी दुनिया की तमाम शख्सियात ने भी महमूद साहब की इस पहल को काफी सराहा क्योंकि लोग महमूद साहब को कॉमेडी के लिए जानते थे। इसीलिए महमूद साहब ने इस फिल्म में कॉमेडी भी की और लोगों को रुलाने के साथ साथ थोड़ा हंसाया भी।
कुल मिलाकर कुंवारा बाप फिल्म एक खूबसूरत अंदाज था महमूद साहब का लोगों को एक पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से वाकिफ कराने का। और सादिया आपको बता दे, कमाल की बात यह रही है कि महमूद साहब ने रियल कैरेक्टर दिखाने के लिए अपने बेटे को, जिनको पोलियो हो गया था, उन्हीं को उसका कैरेक्टर दिया था। अच्छा, रियली आशुतोष, सच में मुझे ये बात नहीं पता थी। चलिए, आपको और हमें जैसे नहीं पता, वैसे बहुत सारे नाजरीन होंगे जिनको ये बात नहीं मालूम कि महमूद साहब के बेटे कौन है, उनको लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो हम दिखा देते हैं इस फिल्म का एक सीन। Hi Dad, get some money. I know money, good talk, go 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 go. अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे वाह, बड़ा हो के तू अंग्रेजी बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता क्या? पहले ये बता, आज का इम्तिहान कैसे दिया? फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट। फर्स्ट आएगा तो फिर मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। बेटे हिंदुस्तान। डैडी, आपने मेरा नाम बड़ा चुन के रखे हैं। बेटा, तुम्हारा बाप जो भी काम करता ना, चुन के करता। कल कौन सा इम्तिहान है तुम्हारा? कल तो छुट्टी है, छुट्टी। कल स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट? वे, ये पोर्ट क्या रहे? स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट्स। कल भागने का है, जंपिंग है, रेसेस है, मैं तो नहीं जाऊँगा। क्या बोला? तू नहीं भागेगा? डैडी, आपको तो मालूम है मेरा पाँव कैसा है, मैं कैसे भागूंगा? देख हिंदुस्तान, मैं कितनी बार तेरे को बोला, तू अपने आप को लंगड़ा मत समझ। देख, पिछले साल तू पढ़ाई में कब लेकर आया, ये साल भाग को कब लेकर आया? भागेगा कि नहीं बोल? अच्छा डैडी, मैं भागूंगा भी, कब भी लेकर आऊंगा। अब तो आप खुश है ना? तू आप बोलता तो मेरा कलेजा खुश हो जाता। अच्छे स्कूल में बच्चों को डाले तो बच्चे कितने तमीज वाले हो जाते। मेरा बेटा रेस में भाग रहा है कि नहीं? सर, कैन आई टेक पार्ट इन द रेस? आई वांट टू मेक माय डैडी हैप्पी। भागना चाहते हो? अपनी टांगे देखी है तुमने? मिस्टर खटाओ। यस सर। ऐसे बच्चों में कमतरी का एहसास मत पैदा करो, जूनियर बच्चों के साथ दौड़ा दो, ये चल का भी जाएगा तो जीत जाएगा। थैंक यू सर। शाबाश। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा, अजब फिल्म के गजब कहानी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। इन तमाम कलाकारों ने जब महमूद साहब की कहानी सुनी कि वो पोलियो पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो सब ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। वो सीन जो महमूद साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा किया था और देखने वालों को रुला दिया था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और आज हम बात कर रहे हैं अजब फिल्म की गजब कहानी में 1974 की सुपरहिट फिल्म कुंवारा बाप की।
क्या आपको पता है कि इस फिल्म के साथ काफी सारे ऐसे किस्से हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स को मालूम नहीं हो। जैसे कि इस फिल्म में महमूद साहब के लिए तकरीबन 8 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने गेस्ट अपीयरेंस किया था, और वो भी सिर्फ महमूद साहब के इस अच्छे कदम को ताउन करने के लिए। कौन कौन से थे कलाकार वो? बिल्कुल सादिया, देर किस बात की, आइए जानते हैं, दिखाते हैं व्यूअर्स को भी। वैसे तो फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कुछ मिनटों के लिए कैमियो करते हुए या गेस्ट अपीयरेंस में नजर आते हैं, लेकिन बात करें अगर फिल्म कुंवारा बाप की, तो इस फिल्म में तकरीबन 8 फिल्मी कलाकारों ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था। अब तक ऐसा कभी किसी फिल्म में नहीं हुआ था कि एक ही फिल्म में इतने एक्टर्स ने गेस्ट अपीयरेंस किया हो। इस फिल्म में तमाम कलाकारों ने महमूद साहब के इस बेहतरीन कदम को ताउन करने के लिए गेस्ट अपीयरेंस दिया था। अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र साहब, हेमा मालिनी जी, योगिता बाली जी, विनोद खन्ना साहब, दारा सिंह जी, ललिता पवार और कुछ और एक्टर्स थे जिन्होंने सिर्फ महमूद साहब के लिए गेस्ट अपीयरेंस दिया था। इन तमाम कलाकारों ने जब महमूद साहब की कहानी सुनी कि वो पोलियो पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो सब ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया और कहा कि वो बिना पैसे लिए इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे। इस बात से ये समझ आता है कि फिल्मी दुनिया का कोई भी कलाकार, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए हमेशा ताउन के लिए तैयार रहते हैं। आइए कुछ सीन्स आपको दिखाते हैं उन कलाकारों के जिन्होंने कुंवारा बाप में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। क्या मुश्किल से ये पिल्ले से पीछा छूटा है मेरा। क्यों बे, इस बच्चे को इस बाबा गाड़ी में छोड़ के जा रहा है? नहीं साहब, मैं गरीब आदमी, देख रहा था बाबा गाड़ी में मेरा बच्चा कैस रहा है। चल, ये बच्चे को लेकर जाता है या अंदर कर दूं? अगस्तिन, मेरी रिक्शा तैयार हो गई क्या? आओ गए, ले जा। अकेला काम कर रहा है ना, कोई दूसरा मैकेनिक नहीं क्या? मैकेनिकों की बड़ा मारा मारी आजकल यार। मेरे पास एक है, 16-17 साल में तैयार हो जाएगा। इधर ये। अबे नहीं फंसता तू। और देख, आंधा रिक्शा इधर मत लाना, यारी दोस्तों में बहुत हो गया, कोई फिल्म आर्टिस्ट समझ रखा है क्या? घड़ी घड़ी गेस्ट आर्टिस्ट करवा लेते। अशोक का होटल अच्छी लगी सवारी। ये लो रुपया, और तुम्हारा बच्चा। तुम लोग भगवान को कोसोगे, सरकार को गालियां दोगे, लेकिन साफ सुथरे कभी नहीं रहोगे। ठाकुर साहब, मैं बस्ती में जाके लोगों को बोलूंगा कि साफ सुथरे रहो, मेरे बच्चे को ये बीमारी हुई तो हुई, दूसरे बच्चों को नहीं होना। साथ साथ बस्ती वालों को ये भी समझा देना, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए सरकार ने जगह जगह पे मुफ्त दवाखाने खोल रखे हैं। पोलियो से बचाने के लिए बच्चे को 3 महीने में 3 बार एक दवाई दी जाती है, एंटी पोलियो वैक्सीन। उसके बाद पोलियो नहीं होता। तुम्हें किसी भी हालत में किसी भी तरह मुन्ने की तलाश करनी होगी रमेश। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी विनोद, मुझे ये सब बात का पता नहीं था, लेकिन मुझे ये भी तो पता नहीं कि मुन्ना जिंदा है या। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मुन्ने की तलाश जारी रखता हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कोई चमत्कार ही मुन्ने को वापस ला सकता है। और आप सभी को पता है महमूद साहब का जो रिक्शा वाला का किरदार है उसे देखकर मुझे तो काफी हंसी भी आई। मतलब इनका जो गेटअप है इस फिल्म में बेहद ही उम्दा, लाजवाब, शानदार। आपको हंसी आई, लेकिन शायद आपने वो सीन नहीं देखा जिसको देखकर सबको रोना आया। वो सीन जो महमूद साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा किया था और देखने वालों को रुला दिया था। जी हाँ, आइए जानते हैं कुछ खास बातें इस सीन के बारे में। महमूद साहब ने हमेशा से ही फिल्मों में कॉमेडी की। उनके नाम की शोहरत ये थी कि ऑडियंस सिर्फ उनके नाम से फिल्में देखने जाया करती थी, लेकिन इस फिल्म में ऑडियंस इस बात से हैरान हुई कि उन्होंने महमूद साहब को इस फिल्म में इमोशनल किरदार करते हुए देखा। महमूद साहब ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के जरिए उन तमाम ऑडियंस को रुलाया जो थिएटर में कुंवारा बाप देखने आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले महमूद साहब पर्दे पर सिर्फ कॉमेडी करते नजर आए थे। कमाल की बात यह रही कि महमूद साहब के लिए भी ये पहला तजर्बा था
और कश्मकश ये थी कि क्या उनके चाहने वाले उन्हें इस किरदार में पसंद कर पाएंगे, क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उनके फैंस ने उनके इमोशनल सीन्स भी और कुछ थोड़ी बहुत कॉमेडी को भी खूब पसंद किया। महमूद साहब चूंकि अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन्स में अपने चाहने वालों को हंसाया भी। इतना ही नहीं, महमूद साहब को उनकी कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेट भी किया गया। और कमाल ये रहा कि महमूद साहब को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड उनकी दूसरी फिल्म वरदान के लिए दिया गया। वैसे महमूद साहब की अदाकारी का जवाब नहीं, महमूद साहब की एक बात आपको और हैरान करेगी, और वो ये कि इस फिल्म में महमूद साहब ने कोर्ट रूम के एक सीन में बिना रीटेक लिए पूरे डायलॉग्स बोले और उस सीन ने देखने वालों को रुला कर रख दिया। इस सीन को एक ही बार में फिल्माने का मकसद महमूद साहब का ये रहा कि वो चाहते थे कि इसमें बीच में कोई कट ना हो, ताकि जो इस सीन में उनके जज्बात हैं वो एक ही बार में पूरी तरह से बाहर आ जाएं। वैसे तो ये एक फिल्मी सीन था, लेकिन महमूद साहब के जज्बात असल थे, क्योंकि उनके अपने ही बेटे को पोलियो था और वो इस सीन में एक एक्टर नहीं बल्कि एक बाप बनकर एक्टिंग कर रहे थे। इस सीन को जिसने भी देखा वो वाकई रो पड़ा। ये बच्चा मेरे को गणेशा के मंदिर में मिला था। मैं पुजारी साहब को, हवलदार साहब को बोल बोल को थक गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती ये बच्चा मेरे गले में डाल दिए। ये बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन पीछा नहीं छूटा। फिर उसके बाद में साहब, मेरी वजह से ये बच्चे को पोलो हो गया, इसके हाथ आपा हो चले गए साहब। तब जाकर मैं कसम खाया साहब कि मैं मेरे हाथ आपा हो ये बच्चे को दे डालूंगा, मैं मेरी सारी जिंदगी ये बच्चे को दे डालूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई खुशी नहीं बनाऊंगा साहब। ये बच्चे से मैं नफरत करता था साहब, आज ये बच्चा मेरा दिल बन गया है। इंसान के सीने से अगर दिल निकाल को फेंक डालेंगे तो क्या वो इंसान जिंदा रह सकता है क्या साहब? बोलो, आप ही बोलो साहब। मेरे को मालूम है साहब, ये लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये लोग अजाब खरीद सकते हैं, ईमान खरीद सकते हैं, झूठ खरीद सकते हैं, सच खरीद सकते हैं। मैं अगर मर गया तो मेरे पास कफन का टुकड़ा भी नहीं है साहब। साहब, आप लोग मेरे को बच्चा चोरी करने की सजा देने वाले हैं, मेरे को मालूम है। अगर ये बच्चा मेरे से छीन लिया साहब, तो सजा मैं बोलता हूँ वो सजा मेरे को दो, मेरे को मरने की सजा दो साहब। ये बच्चे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता साहब, मैं जिंदा नहीं रह सकता मेरे बेटे के बिना। और चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, रिमोट को हाथ भी मत लगाइएगा। यूं गए यूं हाजिर होंगे, फौरन होंगे हाजिर। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था मशहूर म्यूजिक कंपोजर रोशन लाल के बेटे और मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन साहब ने। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था और उस वक्त के मशहूर शो बिना का गीत मेला पर पहले पायदान पर रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है नाजरीन। आप देख रहे हैं अजब फिल्म की गजब कहानी। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, 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 सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। क्या बात है आशुतोष, मतलब ये गाना आप काफी अच्छा गा लेते हैं। ये गाना नहीं सादिया, आपको पता है मैं सारे गाने अच्छा गा लेता हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना बहुत अच्छे से गा लेते हैं। शुक्रिया शुक्रिया सादिया। वैसे सादिया, आपको मैं बता दूं, इस गाने का मतलब कभी मैं समझ ही नहीं पाया क्या मतलब होता है इसका, सज रही गली मेरी माँ सुनहरे गोटे में। लेकिन बाद में मैं समझा, गोटे लेस होते हैं और गली सज रही है सुनहरी रंगों की लेस में।
जी बिल्कुल आशुतोष, आपको पता है कि ये गाना बहुत ही हिट हुआ था। बिल्कुल सादिया, आपने सही फरमाया। इस गाने से बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं और ऐसे किस्से भी जुड़े हुए हैं जिसे हमारे व्यूअर्स सुनेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे। तो आइए आशुतोष, सुन लेते हैं कुछ खास किस्से इस गाने से जुड़े हुए। कुंवारा बाप फिल्म का म्यूजिक भी हिट हुआ था। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था मशहूर म्यूजिक कंपोजर रोशन लाल के बेटे और मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन साहब ने। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था और उस वक्त के मशहूर शो बिना का गीत मेला पर पहले पायदान पर रहा, सज रही गली तेरी माँ सुनहरी गोटे में। इस गाने को मोहम्मद रफी साहब ने और महमूद साहब ने गाया था। इस गाने के साथ एक मशहूर किस्सा भी कुछ इस तरह है कि महमूद साहब इस गाने के कुछ हिस्सों को असली किन्नरों से गवाना चाहते थे और इसलिए रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने कुछ असली किन्नरों को कोरस गाने के लिए बुलवाया। रफी साहब जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे, इन किन्नरों को देखकर वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे। महमूद साहब ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये कोरस रिकॉर्ड करेंगे। कुछ देर बाद रफी साहब ठीक हुए और ये गाना महमूद साहब के साथ रिकॉर्ड किया। इस गाने से जुड़ी एक और बात मशहूर है और वो ये कि इस गाने में आपको महमूद साहब के वालिद मुमताज अली साहब भी नजर आएंगे। दरअसल फिल्म कुंवारा बाप में मुमताज अली साहब का छोटा सा रोल था। मुमताज अली साहब अपने वक्त के बहुत मशहूर डांसर थे और अपने शो किया करते थे। आप इस गाने में उनके थोड़े से डांस स्टेप्स देखकर ही समझ जाएंगे कि ये अपने वक्त के बेहतरीन डांसर रहे होंगे। आइए अब आपको कुंवारा बाप का ये मशहूर गाना सुनाते हैं। सुनहरी गोठे में रुपेरी गोठे में सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में रुपरी गोठे में, सुनहरी गोठे में रुपरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। हाय हाय, ये जबरदस्त नाना की तरफ से आठाने, ये मुंबोली नानी की तरफ से एक रुपया। से क्या लेना,
तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की कहानी कुवारा बाप, अजब फिल्म के गजब कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड भी आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए तब तक हमारी ओर से आप सभी को आदाब, आप रखें अपना ख्याल।